स्वागत है आप सभी का इग्नू हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज का एक नोटिफिकेशन है इग्नू की तरफ से कि इग्नू ने री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनवरी 2020 के लिए जो है स्टार्ट कर दिए हैं। आज है तारीख 14 अक्टूबर 2019 और आज से ही जो है री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ओपन हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है भरने की वो है 30 नवम्बर 2019। तो अगर आप लोगों ने नहीं भरा है तो प्लीज़ भर दीजिए और हो सकता है आगे आपको लेट फीस भी देनी पड़ सकती है। देखिए, अब किन किन लोगों को जो है ये री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने हैं। मान लीजिए आपने जो है मानना क्या, बट ये है ही कि आपने जनवरी में 2019 में एडमिशन लिया और अब आपका जो है एक साल पूरा लगभग हो चुका है। अब आपको जनवरी 2020 के लिए मतलब आज से जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भरना होगा सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। भले ही आपने जो है एग्ज़ाम वो दिए हों या ना दिए हों, ठीक है, और असाइनमेंट जमा करे हो या ना करे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपका जो साइकिल एक पूरा हो गया, जनवरी 2019 में आपने एडमिशन लिया था, अब जनवरी 2020 के लिए जो है ये फॉर्म निकल चुका है तो आपको भरना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर किसी का सेकंड ईयर पूरा हो चुका है जनवरी 2019 में, तो उसको जो है अपने थर्ड ईयर के लिए आज से फॉर्म जो है भरना होगा री रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। सो उन लोगों को जो है री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है। एक बहुत ही सिंपल और तरीका है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है कि आपको भरना है या नहीं भरना है, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। आपको यहाँ सारी डिटेल भरनी है, प्रोग्राम, इनरोलमेंट नंबर और कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा तो ये सबमिट करके आपको दिखा देगा कि आपको भरना है, और अगर नहीं भरना होगा तो ये दिखा देगा कि आपको नहीं भरना। बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल डालेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हमको ये भरना है या नहीं भरना है। सो ये था आज का अपडेट। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।